आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सीट शेयरिंग की चर्चा के बीच लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। पिछले दिनों पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल गोवा के 3 दिवसीय दौरे पर थे। गोवा में उन्होंने बेनोलिम और वेलिम विधानसभा में लोगों से मुलाकात की, फिर पार्टी के 2 विधायकों से मिलकर उनके काम पर चर्चा भी की। अरविंद केजरीवाल ने ऐसी ही चर्चा गुजरात के अपने विधायकों से भी की थी। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग गुजरात गए थे। गुजरात में हमने अपने MLAs के साथ बैठ के चर्चा की कि गुजरात के हमारे MLAs ने पिछले 1.25 साल के अंदर, जब से वो MLA बने हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया। उसको जब हमने सोशल मीडिया पे डाला तो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसी पार्टी है जो 5 साल में एक बार वोट मांगने नहीं आती, वो साल दर साल जो है लोगों को बताती भी है कि हमने क्या काम किए, हमारी क्या कमियाँ हैं, उसको कैसे ठीक करेंगे और आगे क्या काम करेंगे। तो आज हम गोवा में हैं। गोवा के लोगों ने पिछली बार हमें, हमारे को वोट दे के 2 MLA जिताए थे आम आदमी पार्टी के, एक हमारे वेंजी वेगास हैं और एक हमारे क्रूज हैं। तो आज वेंजी बेनोलिम से हैं और क्रूज वेलिम कंस्टिट्यूएंसी से हैं। आज इनसे पूछेंगे कि इन्होंने पिछले 2 साल हो गए इनके चुनाव में, इन्होंने अपने इलाके में क्या क्या काम किए। सुबह हम इन दोनों की कंस्टिट्यूएंसी में घूम के आ रहे हैं, हमें इनके काम बहुत पसंद आए, लेकिन ये काम हम आपको सुनाना चाहते हैं ताकि आप तय कर सके कि इनके काम अच्छे हैं कि बहुत कैसे हैं। अरविंद केजरीवाल ने बेनोलिम विधायक वेंजी वेगास और वेलिम विधायक क्रूज सिल्वा के 22 महीनों के काम का फीडबैक लिया। विधायकों के केजरीवाल और मान की मुलाकात का वीडियो आम आदमी पार्टी के YouTube चैनल पर शेयर किया गया है। वीडियो में दोनों विधायक अरविंद केजरीवाल को अपने कामों का ब्यौरा दे रहे हैं। विधायक वेंजी वेगास बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने डोनेशन की मदद से अपने निर्वाचन क्षेत्र में 4 मोहल्ला क्लिनिक खोलकर लोगों को फ्री इलाज की व्यवस्था की। वहीं विधायक क्रूज सिल्वा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में किसानों के लिए किए गए कार्यों की जानकारी अरविंद केजरीवाल को दी। आज का रिपोर्ट कार्ड के लिए सर, आई वुड वांट टू स्टार्ट विद हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड है, ये बेनोलिम कॉन्स्टिट्यूएंसी का। और सो वी विल बी ग्लैड टू नो दैट इन बेनोलिम वी हैव गॉट 4 क्लिनिक्स। हमारे पास 4 क्लिनिकें हैं बेनोलिम में। ये सरकार ने बनाया? नहीं नहीं सर, ये हमारे क्लिनिक्स है, आम आदमी पार्टी के क्लिनिक्स है, MLA ऑफिस के क्लिनिक्स है, एंड डोनर्स ने पैसा दे के कंट्रीब्यूशन मतलब करके ये क्लिनिक्स हमने 4 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। और आपने डोनेशन लेके बनाया? डोनेशन लेके बनाए, सरकार ने नहीं बनाया। सरकार ने नहीं बनाए, वी आर पेइंग, somebody is paying the salary, somebody is paying the medicine, somebody is paying the rent of the clinic, somebody has built cubicles for us free of cost on CSR, somebody has done the banners for us. तो इस तरह के 4 क्लिनिक्स हैं। एक है गुड हेल्थ क्लिनिक जो बेसिकली फुल फ्लेज मोहल्ला क्लिनिक की तरफ से, एंड 9 AM to 6 PM फ्रॉम मंडे टू सैटरडे जनरल फिजिशियन एंड एक नर्स है। उसमें कोल्ड, फीवर एंड कफ, ये बेसिक जो मेडिसिन है एज ऑफ टुडे बिकॉज ऑफ बजट रिस्ट्रिक्शन, ये बेसिक मेडिसिन हम लोग फ्री देते हैं, दवाई फ्री देते हैं, कंसल्टेशन फ्री है, ड्रेसिंग जो है वूंड्स की ड्रेसिंग जो है वो हम लोग फ्री करते हैं, BP चेक करते हैं एंड शुगर, ब्लड शुगर चेक करते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हाट वी आर डूइंग फ्री। शुगर की भी दवाई देते हैं। मैं आज सुबह जब गया तो एक शुगर का मरीज बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा तो बोला मैं शुगर की दवाई लेने के लिए आया हूँ। दैट किसी ने, एक फार्मासिस्ट ने जो मेडिकल रैप है, उन्होंने एक स्टॉक दिया था हम लोग को स्टार्टिंग के लिए, व्हेन वी स्टार्ट द क्लिनिक 2 महीने का स्टॉक दिया था। सो दैट इज द टाइम वी हैड गॉट अ लिटिल बिट ऑफ स्टॉक फॉर दैट शुगर, एंड दैट जेंटलमैन गॉट द बेनिफिट उस टाइम पे। तो दैट इज व्हाट ही हैड सेड। तो ये हो गया अपना मेन जो है जनरल फिजिशियन गुड हेल्थ क्लिनिक। दूसरा उधरी बगन में हम लोग ने ESGI हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके आँखों का क्लिनिक खोला। आँखों के कई कैटरेक्ट के ऑपरेशन कर चुके हैं, 40 ऑपरेशन कर चुके हैं या 40 प्लस किए हैं। 3 तो मिले भी थे कल ऑपरेशन। एवरी वेनिसडे ऑपरेशन करते हैं, थर्सडे को क्लिनिक खुलता है। अराउंड 40-45 पेशेंट्स दिन के एवरी थर्सडे आते हैं, चेक करते हैं। फॉर द लास्ट 22 मंथ्स आफ्टर माई इलेक्शन इलेक्टेड, सो आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली इन टच विद द पीपल गेटिंग देयर फीडबैक्स, एंड आई हैव सीन ऑल द प्रोजेक्ट्स व्हिच वर पेंडिंग, एंड वी हैव प्रपोज्ड अ लॉट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स। नाउ आवर कंसल्टेंसी कंसिस्ट्स ऑफ फिशरमैन प्लस एग्रीकल्चर फार्मर्स आर देयर। So first project we took at what you have seen in the morning, that agriculture farming to revive, to recultivate the lands which are not cultivated for last 30-35 years. इसका मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोगों को। आज सुबह हम लोग होके आए थे इनके यहाँ पे, तो एक गांव में ये हमें लेके गए। वहाँ पे लगभग 150 एकड़ जमीन
पिछले 30-35 साल से बैरन पड़ी हुई थी, उस पर खेती नहीं हुई थी, पानी नहीं था, मवेशी थे, कई कारण थे जिसकी वजह से उस पर खेती नहीं हुई थी। ये 150 एकड़ ज़मीन 200 टेनेंट्स के पास थी, तो आप सोच सकते हो कितनी छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स थी, लेस देन 1 एकड़ पर फैमिली, 200 टेनेंट्स, 150 एकड़ ज़मीन। और ये जैसा इन्होंने बताया कि इसके पास से एक नहर जा रही थी, नहर में पानी नहीं था, इन्होंने उन 200 फैमिलीज़ को साथ ला के उनका एक क्लब बनाया, कोऑपरेटिव टाइप, और उन 200 को एक साथ उन्होंने फार्मिंग कराई। वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर को 3-4 बार अपनी विधानसभा में गांव में लेके आए, और जो नहर जा रही थी उसमें उन्होंने पानी का इंतजाम किया, और अब पिछले 2 साल से उस 150 एकड़ ज़मीन पर खेती होनी चालू हुई है। और खेती ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, इन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंतजाम किया। आज हमने देखा ड्रोन के ज़रिए ये उस पूरे इलाके के अंदर ड्रोन के ज़रिए फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, और तो ये सारी चीज़ें फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, वाटर आल्सो यू यूज़ ड्रोन्स ओनली, पानी भी ड्रोन के ज़रिए। तो ड्रोन के ज़रिए पेस्टिसाइड जब डाले जाते हैं तो एकदम महीन तरीके से सही जगह पहुँचता है, कम फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, और प्रेसिशन के साथ वो करता है, और बड़ी तेज़ी के साथ, जैसे 1 घंटे के अंदर वो 6 एकड़ ज़मीन, 6 एकड़ यू टोल्ड मी दैट रफली कैन बी डन थ्रू इन 1 आवर बाय द ड्रोन। तो अब वहाँ पे आज हमने, इन्होंने हमारे को प्रोडक्ट्स दिए, वहाँ पे ब्राउन राइस उगा हुआ है, वहाँ पे पल्सेस उग रही हैं। तो 30 साल से जो ज़मीन, अब ये इनका, इन्होंने ठाना है कि पूरी विधानसभा के अंदर जितनी ज़मीन बैरन पड़ी है सारी ज़मीन के ऊपर ये खेती करेंगे, ताकि लोगों को कमाई होनी चालू हो।